कहानी की शुरुआत होती है साल 1998 से। चुनाव के रिजल्ट आने के बाद पता चलता है कि रोमेश शर्मा बड़ी बुरी तरीके से चुनाव हार चुका होता है। चुनाव के बाद सुरेश राव अपने कुछ आदमियों को अपना हेलीकॉप्टर वापस लेने के लिए भेजते हैं, लेकिन रोमेश के आदमी उन लोगों के साथ मारपीट करके उन्हें वहां से भगा देते हैं। जब सुरेश रोमेश से अपना हेलीकॉप्टर वापस लेने के लिए जाता है तो रोमेश उसे जान से मारने की धमकी देकर वहां से भगा देता है। सुरेश रोमेश के पास कई बार अपना हेलीकॉप्टर लेने जाता है, लेकिन हर बार उसे धमकी देकर वहां से भगा दिया जाता है। जब ये सारी बातें नीरज कुमार को पता चलती है तो वो रोमेश शर्मा के ऊपर एक फाइल तैयार करते हैं। नीरज इस फाइल को अपने सीनियर और सीबीआई के डायरेक्टर टीएन मिश्रा को दिखाते हैं। टीएन मिश्रा अच्छे से जानते थे कि रोमेश शर्मा कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, उसका कई बड़े नेता और यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर तक के साथ उठना बैठना है। इसीलिए वो नीरज से रोमेश शर्मा को अरेस्ट करने से पहले उसके खिलाफ पक्के सबूत इकट्ठे करने के लिए कहते हैं। एक दिन नीरज को होम मिनिस्ट्री के एक सेक्रेटरी अरविंद वर्मा का कॉल आता है और वो नीरज को एक फोन नंबर देकर उसे चेक करने के लिए कहते हैं। नीरज के पास अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड फोन नंबर्स का काफी बड़ा डेटाबेस था। जब नीरज उस फोन नंबर को उस डेटाबेस में चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये नंबर अबू सलीम अब्दुल कयम अंसारी का है। अबुल सलीम दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी में काम करता था और वो दाऊद इब्राहिम के काफी खास भी था। इसी के साथ अब्दुल सलीम का नाम 1993 बॉम्बे ब्लास्ट में भी सामने आया था। नीरज इस फोन नंबर के बारे में अरविंद को बताते हैं, जिसके बाद अरविंद उन्हें बताते हैं कि इस फोन नंबर से उनका एक दोस्त रमेश मलिक को धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। जब अरविंद को पता चलता है कि अबू सलीम ही उनके दोस्त को धमकी दे रहे हैं तो वह नीरज से अपने रमेश मलिक की मदद करने की रिक्वेस्ट करते हैं। नीरज सीबीआई स्पेशल टास्क फोर्स के एक ऑफिसर को रमेश मलिक की मदद करने की जिम्मेदारी देते हैं। वो ऑफिसर अपने कई सोर्सेस की मदद से अबू सलीम तक ये मैसेज पहुंचा देते हैं कि डीआईजी नीरज कुमार को राकेश मलिक को दी जा रही धमकी के बारे में पता चल चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अबू सलीम तुरंत राकेश मलिक को कॉल करता है और उनसे कहता है कि मलिक साहब, आपको पहले बताना चाहिए था ना कि आप सीबीआई के डीआईजी नीरज कुमार को जानते हैं। अगर आप पहले बता देते तो मैं आपको परेशान करता ही नहीं। अब आप एकदम बिंदास हो जाओ, अब आपको मेरी तरफ से टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह को देखते हैं, जो कई दिनों से रोमेश शर्मा के फोन नंबर्स को चेक कर रहे होते हैं। इतने दिनों में इंस्पेक्टर ईश्वर ने कई ऐसे कॉल्स को इंटरसेप्ट किया होता है जिसमें रोमेश शर्मा अबू सलीम से बात कर रहा होता है। नीरज कुमार इन कॉल रिकॉर्डिंग्स को टीएन मिश्रा को सुनाते हैं। इन कॉल रिकॉर्डिंग्स को सुनने या पक्के हो जाता है कि रोमेश शर्मा दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी का ही एक मेंबर है। टीएन मिश्रा नीरज को रोमेश को अरेस्ट करने की परमिशन दे देते हैं। रोमेश को अरेस्ट करने के लिए नीरज कुमार एक प्लान बनाते हैं। तो दोस्तों, क्या होगा नीरज कुमार का प्लान? क्या रोमेश आएगा नीरज के हाथ? जानेंगे दोस्तों इस वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।